यहाँ से टायर फट चुका है बिल्कुल हमारे लियो का। लियो ने फर्स्ट टाइम भाई धोखा दिया है। एक कुटी मूर्ति बनाने का बात था लेकिन वो लोगों ने एक कुटी से एक कम बनाया, इसलिए इस जगह का नाम ऊना कुटी हो गया। शिव जी से प्रे करती कि घर तक सही सलामत पहुंच जाए क्योंकि मेरे को सीन थोड़ा बहुत खराब लग रहा है। पथरकंदी पे आज का लेकर दूसरी बार आया हूँ। नॉन स्टॉप गाइस, नॉन स्टॉप चलाया है, एक जगह पे भी हम लोगों ने ब्रेक नहीं दिया है। वेलकम टू त्रिपुरा। टाइम अभी लगभग 8:10 हो रहा है एंड धर्मनगर शहर के लोगों जागने से पहले हम लोग धर्मनगर पहुंच गए हैं। ये तो जन्नत पहुंचा दिया। तो बॉयज यहाँ पर है ये ऊनाकोटी का मेन गेट। Already 5:22, ऊपर थोड़ा सा क्लाउडी है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज केतन और आप देख रहे हैं कि ब्लॉग सिलचर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं निकल रहा हूँ एक लॉन्ग राइड के लिए। वैसे मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ तो बाइक पे बैठते हैं देन फुर्सत से बात करते हैं आपसे। यहाँ पे अपना बाइक रेडी, हेलमेट पे भी सेटअप रेडी, ग्लव्स भी रेडी, सब कुछ रेडी। बाइक पे बैठते हैं एंड शुरू करते हैं जर्नी। तो जी एग्जैक्ट हो रहा है 5:52 एंड हमने करवा ली है इस पर फुल टैंक। अब फुल टैंक है तो डेस्टिनेशन भी जो है वो भी थोड़ा दूर का ही होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग जाने वाले त्रिपुरा। त्रिपुरा गाइस, आज हम लोग जाने वाले ऊनाकोटी। जर्नी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आज का जो मेन मोटिव ये है कि जर्नी जो रहने वाला है वो एकदम नॉन स्टॉप रहने वाला है। तो भैया जी ये जो एक्सपीरियंस है ये नया एक्सपीरियंस होने वाला है। बिना रुके हम लोग चलते जाएंगे। सबसे पहला ब्रेक हम लोग लेंगे धर्मनगर, उसके बाद ब्रेक लेते चलेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट्स वगैरह भी लेना है ना, तो वही बात है। अब बिना ब्रेक लिए हम लोग चलते हैं। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मैं ये ब्रेक नहीं मारूंगा, मैं ये ब्रेक मारूंगा। मतलब वो नहीं करेंगे कि हम लोग एक जगह पे रुक के थोड़ा रेस्ट कर लिए, ऐसा नहीं करेंगे, नॉन स्टॉप चलेंगे। तो भाई टाइम इज 6:57 एंड हम लोगों ने 82 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस तरफ जाता है पथरकंदी का बाईपास, इस तरफ जाता है प्रॉपर टाउन। तो अभी हम लोग टाउन होके निकलने वाले क्योंकि अभी सुबह का 7 बज रहा है एंड आशा करता हूँ कि सुबह का 7 बजे कोई जाम वाम मिलेगा नहीं। आते समय हम लोग बाईपास होके आ जाएंगे, जाते वक्त हम लोग प्रॉपर टाउन होके जाते हैं। एंड कौन कहाँ से देख रहा है क्या नहीं, आप हमें कमेंट पे जरूर बताना क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे मदद करेगा अपना वीडियो का रीच बढ़ाने में। और अगर आपका केबी भाई का वीडियो का रीच बढ़ गया तो आपका केबी भाई भी कंटेंट और भी तगड़ा तगड़ा लाने वाला है। एनीवेज गाइस, सुबह सुबह खाली खाली रास्तों पर बाइक भगा कर एक चीज तो कहना ही पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। एंड गाइस बातें करते करते हम लोग फाइनली पथरकंदी पहुंच ही गए हैं। पथरकंदी तो है ना भाई, मेरे को क्यों लग रहा है ये पथरकंदी नहीं है। नहीं भाई ये पथरकंदी नहीं है, आई एम सो सॉरी गाइस। थोड़ी देर बाद मिलेगा हम लोगों को। अभी जाके सही जगह पर कैमरा ऑन किया है। ये है पथरकंदी एंड मैं आपको बता दूं कि मैं पथरकंदी पे आज का लेकर दूसरी बार आया हूँ।
जब भी मैं इस तरफ से गुजरता हूँ तब मैं बाईपास होके चला जाता हूँ, तो पादरगंदी पे एंटर करने का कोई बात ही नहीं बनता है। मैं लास्ट टाइम आया था त्रिपुरा से आते वक्त, तो फ्यूल भरवाने के लिए हम लोग इसी फ्यूल पंप पे आए थे, एंड आज हम लोग दोबारा से त्रिपुरा जा रहे हैं तो इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो भाई जो बाईपास हम लोगों ने कट कर दिया था वो यहीं पर ही आके जुड़ गया है। कहने का मतलब ये है कि बाईपास में जितना ट्रैवल करते हैं उतना सेम हम लोगों ने टाउन के अंदर से आके भी उतना ही ट्रैवल किया, एंड अब हमारे पास दो ऑप्शन है धर्मनगर जाने का। एक तो है मेन रोड होकर, एक है जंगल का रास्ता से होकर। मैं उस रास्ते को जंगल का रास्ता बोलता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत जंगल के अंदर से होते हुए जाता है, तो हम लोग जंगल के अंदर वाला रास्ते से जाएंगे। डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट हो जाने वाला है, एंड सूरज देवता भी आ गए हैं ऊपर, सीनरी पे भी काफी ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट है। और भाई यहाँ से गौर से देखोगे तो आपको दूर दूर पर फॉग दिखाई देगा। मतलब आप ये कह लो कि अब फॉग का जो मौसम है, ठंड का मौसम आ चुका है। एंड इस मौसम का मेरे को बेसब्री से इंतजार था भाई, धीरे धीरे ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा, एंड ठंड का सीजन इज राइडिंग का सीजन, हमारे लिए तो जन्नत है। मैं आपको बोल रहा था जंगल वाला रास्ता वो यहाँ से राइट को है, धर्मनगर 34 किलोमीटर। ओह मतलब पहुँच ही गए, ऑलमोस्ट 93 किलोमीटर चला लिया है, एंड यहाँ से और 30 किलोमीटर पहुँच जाएंगे आराम से। नॉनस्टॉप गाइस, नॉनस्टॉप चलाया है, एक जगह पे भी हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया है। अब धर्मनगर पहुँचेंगे, पहुँच के कोई जगह पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर आगे को निकल जाएंगे ऊनाकोटी के लिए। अब रास्ता जो है छोटा हो गया है तो हमारा स्पीड भी थोड़ा कम हो जाएगा। Finally guys, we are entering Tripura. Ladies and gentlemen, welcome to Tripura. एक्चुअली अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली राइड्स पर क्या होता है हम लोग टाउन चेंज करते हैं, आज का राइड पर हम लोग स्टेट चेंज करके जा रहे हैं। 8 बज गया है एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने 125 किलोमीटर क्लॉक कर लिया है। अभी थोड़ी ही देर पे हम लोग धर्मनगर पहुँचने वाले हैं, फिर धर्मनगर से हम लोग ऊनाकोटी निकल जाएंगे। धर्मनगर पे हम लोग रुकेंगे नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स, ड्रोन सिनेमैटिक्स के लिए रुक जाएंगे, देन हम लोग निकल जाएंगे ऊनाकोटी के लिए। Boys finally reached धर्मनगर। ये एक्चुअली धर्मनगर का लैंडमार्क है, यहाँ पे शिव जी का स्टेचू पानी का बीचों बीच। टाइम अभी लगभग 8:10 हो रहा है एंड धर्मनगर शहर के लोगों जागने से पहले हम लोग धर्मनगर पहुंच गए हैं। बहुत मजा आ रहा है, अभी यहाँ पे छोटा मोटा सा एक ब्रेक लेंगे, निकल जाएंगे हम लोग टूवर्ड्स ऊनाकोटी। एंड अपना लियो को देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है यार, डर्टी है पर फिर भी मस्त लग रहा है।
अभी कौन सा साइड, कौन सा साइड दिखा? अरे नहीं यार, इस तरफ है। एनीवेज गाइस, बात यह है कि मेरा बाइक का पीछे का जो टायर है वो एक जगह से फट सा गया है। अब मेरे को डर लगना शुरू हो गया कि रास्ते में अगर फंस गए तो क्या हो जाएगा हमारा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जिस चीज को नजरअंदाज किया वही चीज थोड़ी देर बाद जाके इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो व्लॉग में बने रहिए, क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं जानने के लिए। बस भगवान का नाम लेकर उनाकोटी चलते है कैसे भी, एंड यहाँ से निकलते है। दिखा दिखा मैप, दिखा मैप दिखा। हाँ ठीक है, वाटर 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 क्रॉसिंग। लाहे लाहे निकलो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये कौन सा जन्नत वाला रोड पर लेकर आ गया रे? सही जा रहे है क्या? मैप चेक कर तो, ये तो जन्नत पहुंचा दिया। क्या रास्ता है भाई, मजा आ गया रे, मजा आ गया। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये रास्ता जब अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब ये रास्ता जब बना ही नहीं था, उस समय मैं इस रास्ते से गया था। इतना डिफिकल्टीज हम लोगों को फेस करना पड़ा, पूरा जो इसके नीचे का जो मिट्टी है ना पूरा एकदम लूज था, और ऊपर से बारिश भी हो रहा था, रास्ता पूरा स्लिपरी हो गया था। बहुत प्रॉब्लम हुआ था गाइस हमें ऊनाकोटी से धर्मनगर जाने में। एंड बाइक से मैं एक बार गिर भी गया था, तब मैं KTM एडवेंचर 390 लेकर गया था यार, वो दिन अभी भी याद है। एंड आज जब मैं 2 साल बाद आया हूँ तब रास्ता क्या सुपर फाइन बन गया है भाई। ये रहा मेन हाईवे, ये रहा बोर्ड। अभी फिलहाल हम लोग ऊनाकोटी का जो रॉक पर भगवान का मूर्ति बनाया ना उस जगह पर जा रहे हैं, वही है यहाँ का सबसे फेमस लोकेशन। तो बॉयज यहाँ पर है ये ऊनाकोटी का मेन गेट, एंटर करते हैं एंड हम आपको दिखाते रॉक्स जिस पे भगवान का मूर्ति को बनाया गया है, वो भी एक ही रात पर। यूनिक है इसका हिस्ट्री। चलिए अंदर चलते हैं, बात करते हैं आपसे। तो भाई वी हैव फाइनली एंटर्ड द प्रॉपर्टी। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर भगवान का मूर्ति बना हुआ है। सबसे पहले ऊपर हमारा भारत का झंडा लहरा रहा है, ये है अंदर का सीन। प्रथमेश आज ये है मेरा राइड का पार्टनर। एंड ये रहा रास्ता। पीछे से हमें बताया गया है कि यहाँ पे ड्रोन वोन कुछ भी उड़ाना अलाउड नहीं है, हम लोग उसे पालन करेंगे, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ाएंगे। बोला है कि DSLR से भी आप वीडियो नहीं ले सकते, तो DSLR तो है नहीं हमारे पास, ये आईफोन ही DSLR से काफी कैपेबल है, आईफोन से हम लोग वीडियो करेंगे। ये लोग फोटो खींच रहे थे हमारा, बोल रहे थे आप लोग क्या क्या लेकर आए हो क्या नहीं। एनीवेज दिस इज माई सेकेंड टाइम हेयर इन ऊनाकोटी। चलते हैं आगे। वहाँ पे गाइस ड्रोन उड़ाने का मौका मिलता ना, सुंदर सुंदर शॉट्स आते हैं। जो चीज अलाउ नहीं है वो तो अलाउ नहीं है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग DSLR को अलाउ नहीं करते लेकिन फोन अलाउ कर देते हैं। आजकल तो फोन पे DSLR से ज्यादा अच्छा अच्छा फोटोज आ जाता है। मैंने एक मिररलेस कैमरा खरीदा भी था व्लॉगिंग के लिए, ये फोन खरीदने के बाद तो मैं उसे यूज करना ही छोड़ दिया एकदम से। अब ये रहा यहाँ का मेन एंट्रेंस, दो दो सीढ़ियां। एंड गाइस चेक दिस आउट,
तो भाई बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है भगवान जी का मूर्ति बनाया गया था पत्थर पर, वो भी एक ही रात पर। हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि एक रात का ही वक्त था एंड एक करोड़, जिसे हम लोग बांग्ला में बोलते हैं एक कुटी, तो एक कुटी मूर्ति बनाने का बात था, लेकिन वो लोगों ने एक कुटी से एक कम बनाया, इसलिए इस जगह का नाम ऊना कुटी हो गया। कुछ ऐसा ही इसका हिस्ट्री एग्जैक्टली मेरे को भी मालूम नहीं है, मैंने भी रिसर्च किया था कुछ महीनों पहले, कल एक बार और रिसर्च कर लेता तो अच्छा होता। भगवान शिव जी का ये मंदिर है, मैं बता दूं आपको, एंड शिव जी से प्रे करती कि घर तक सही सलामत पहुंच जाए, क्योंकि मेरे को सीन थोड़ा बहुत खराब लग रहा है। अब सीन खराब क्या है वो तो मैं बाइक के सामने जाके दिखाता हूँ। यहीं से मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मूर्तियां मुझे यहीं पर ही दिख रहा है, ऊपर में भी है, एंड ये पूरा एरिया पे पत्थर पे बना हुआ है। लेकिन हमारे पास इतना बड़ा एरिया को घूमने का वक्त कहाँ है, बाइक के सामने चलता हूँ यार, बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को, चलते फिर मैं आपको बताता हूँ। विद दिस गाइस सेइंग बाय बाय टू ऊना कोटी, बाय बाय, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। अब गाइस मैं आपको कांड बोल रहा था, ये है कांड, यहाँ से टायर फट चुका है बिल्कुल हमारे लियो का, लियो ने फर्स्ट टाइम भाई धोखा दिया है। टायर ही फट गया है भाई। हम लोग घर से लगभग 147 किलोमीटर दूर है और इस टायर को लेकर 147 किलोमीटर दोबारा जाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अभी हमारे लिए। आसपास में मिल जाएगा ना, टायर चेंज करना पड़ेगा। हाँ वही टायर, टायर तो यहाँ पे मिलेगा क्या?